हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स कौन से होते हैं, ब्लेंडिंग ब्रशेस कौन से होते हैं, ब्लेंडिंग टिश्यूज क्या होते हैं, ब्लेंडिंग क्या होती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लेंडिंग क्या होती है। तो गाइस, ब्लेंडिंग यानी कि अब जब भी हम कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं तो वो रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए गाइस हमें उसमें स्मूथ इफेक्ट लाना पड़ता है, जो स्मूथ इफेक्ट गाइस सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग से होता है। तो ब्लेंडिंग गाइस वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, शेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ब्लेंडिंग करेंगे तो जो हमारा आर्टवर्क है वो ज़्यादा रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बन सकता है। तो गाइस, मेन तो तीन टाइप्स होते हैं ब्लेंडिंग के, एक तो ब्रशेस होता है, एक ब्लेंडिंग स्टम्प्स और टिश्यू। तो गाइस, ये तीन होता है जो कि ब्लेंडिंग में यूज होता है सबसे ज़्यादा। तो गाइस, ब्रशेस की बात करें तो गाइस ब्रशेस जो होता है सबसे लाइट हमें अगर ब्लेंडिंग करनी है और सबसे अच्छी ब्लेंडिंग गाइस इससे ही होती है। और तो गाइस, अगर हम बात करें ब्लेंडिंग स्टम्प की तो ब्लेंडिंग स्टम्प से भी अच्छी खासी हो जाती है ब्लेंडिंग, लेकिन गाइस उसमें काफ़ी आपको रब रब दिखेगा। अगर आपको सपोज कोई डार्क एरिया को अच्छे से फैलाना है तो वो अच्छे से हो जाएगा। और टिश्यू जो है गाइस, वो टिश्यू तो बेस्ट है। टिश्यू अगर आपको फेस पे लाना है कोई स्मूथ इफेक्ट तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से काम आ जाता है। तो गाइस, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मैं आपको ब्लेंडिंग करके अभी बताता हूँ कैसे करता है ब्लेंडिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं नॉर्मल पेंसिल से शेड करूंगा और उसके ऊपर आपको तीनों स्टम्प से, ब्रशेस से और टिश्यू से आपको रब करके बताऊंगा कि कैसे ब्लेंडिंग होती है। तो गाइस, मैं अभी यूज कर रहा हूँ 2B पेंसिल। तो 2B पेंसिल तो थोड़ी मीडियम डार्क होती है। तो गाइज, मैंने कुछ शेडिंग की है तीन एरियाज में। तो अब मैं गाइज आपको ब्लेंड करके बताऊंगा। तो गाइज, सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्लेंडिंग ब्रशेस का, जो कि सबसे अच्छे आई थिंक ब्लेंडिंग हो पाती है इससे। तो गाइज, मैंने तीनों टाइप से ब्लेंडिंग कर दी है। पहले जो मैंने ब्लेंडिंग की थी वो की थी ब्रश से, दूसरी ब्लेंडिंग मैंने की टिश्यू पेपर से और तीसरी ब्लेंडिंग मैंने की ब्लेंडिंग स्टम्प से। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने बोला था कि ब्लेंडिंग स्टम्प जो होते हैं वो अच्छे से आप कर सकते हैं ब्लेंड, वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं, मीडियम मीडियम आपको शेडिंग भी अच्छे से हो जाएगी, ज़्यादा वो बहुत फैल नहीं जाएंगे और अच्छे से आप उसमें ब्लेंडिंग कर सकते हैं गाइस। और जो टिश्यू होता है, मैंने आपको पहले बोला था कि टिश्यू जो होता है वो फेस टेक्सचर के लिए होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस कि पूरा जो है फैल गया है चारों ओर, वो इसलिए हुआ गाइस क्योंकि टिश्यू पूरे ग्रेफाइट को पेपर पे ऑप्ट अच्छे से कर लेता है और वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिससे ग्रेफाइट आज बाजू में जो होता है वो फैल जाता है। इसके कारण गाइस ये तो बहुत ही स्मूथ इफेक्ट मिलती है। और गाइस, जो ब्लेंडिंग स्टम्प होते हैं वो तो पेपर को पेपर पे रब करोगे तो गाइस वो तो ग्रेफाइट तो दोनों ही अच्छे से ऑप्ट कर लेते हैं, तो इसके कारण हमें बहुत ही डार्क इफेक्ट मिलता है और ब्लेंडिंग स्टम्प पे जो है काफी ब्लैक हो जाता है। तो गाइस, कमेंट में बताना आपको फेवरेट जो है ब्लेंडिंग टूल वो कौन सा है। तीनों गाइस बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो गाइस देखिए, अगर मैंने कई ड्राइंग्स में ब्लेंडिंग की है तो मैं आपको बताता हूँ गाइस कौन से ड्राइंग्स है। तो गाइस, इसमें थैनोस वाली ड्राइंग में तो गाइज मैंने ब्लेंडिंग टिश्यू से ही की थी क्योंकि उस टाइम मेरे पास गाइज नहीं थे ब्लेंडिंग स्टम्प और ब्रशेस थे, लेकिन ब्लेंडिंग स्टम्प्स नहीं थे तो मैंने टिश्यू से किया था। तो आपको काफी सॉफ्ट इफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे आईज में, डार्क इफेक्ट में भी, तो वहां पे आप अच्छे से कर सकते हो टिश्यू का यूज। और उसमें तो मैंने वही यूज किया था। बाकी तो गाइज ये जो ड्राइंग थी सर्वपल्ली राधा कृष्णा वाली, इसमें तो गाइस मैंने यूज किया था ब्लेंडिंग स्टम्प का बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छे से फैल जाए इसलिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज किया था, बड़े ब्लेंडिंग स्टम्प का, जिससे ये बहुत ही डार्क आपको थोड़ी बहुत इफेक्ट दिख रही होगी, इतनी भी कोई डार्क नहीं है लेकिन काफी अच्छी इफेक्ट आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो गाइस, मैं अभी आपको जो साइड में फोटोग्राफ दिख रही है
वो फोटोग्राफ पर जो टाइगर वाली ये जो ड्राइंग है वो ड्राइंग तो गाइज बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो वो ही ड्राइंग में मैंने यूज़ किया था ब्रशेस का, तो अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुकी है गाइज इसमें भी। और गाइज मेरी ये जो ड्राइंग है स्कारलेट जॉनसन वाली, ये तो बहुत ही बढ़िया थी। इसमें मैंने कई जगह पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ किया, फेस पे मैंने टिश्यूज़ का यूज़ किया, और जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए था वहाँ पे मैंने हार्ड ब्रश का यूज़ किया, जैसे कि ये ब्लैक इफेक्ट है तो यहाँ पे मैंने उसका यूज़ किया। हेयर में मुझे ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं चाहिए थी तो वहाँ पे मैंने टिश्यू का यूज़ किया, और कई जगह पे मैंने जहाँ पे थोड़ी बहुत ही हमें डार्क इफेक्ट ज़्यादा चाहिए थी वहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर लिया। तो ये ड्राइंग तो गाइज मैंने तीनों का यूज़ करके बनाया है, तो ये ही वो ड्राइंग थी जिसमें मैंने तीनों यूज़ किया है। तो आपको काफ़ी अच्छी इफेक्ट दिख रही होगी, ये बिल्कुल डार्क है, ये बिल्कुल अच्छे से शेडिंग आपको दिख रही होगी, और ये तो नॉर्मल पेंसिल से ही किया है। तो गाइज ये तो कुछ थे ग्रेफाइट पेंसिल्स के इफेक्ट्स। अब मैं गाइज आपको चारकोल पेंसिल से भी शेड करके ब्लेंड करके तीनों में बता देता हूँ कि कैसे करना है आपको। तो गाइज मैंने तीनों से जो है तीनों मैंने शेड कर दिया है चारकोल पेन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से। अब मैं गाइज आपको दिखाता हूँ उसे ब्लेंड करके। तो गाइज जैसे कि आपको ग्रेफाइट और चारकोल में इतना कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बस गाइज जो ग्रेफाइट में मैंने जो टिश्यू से ब्लेंडिंग की है वो ज्यादा फैली है अच्छे से, थोड़ी उसकी इफेक्ट भी लाइट हुई है तो वो भी डिफरेंस है। और जो फर्स्ट है तो गाइज मुझे तो बेस्ट तो ये ब्लेंडिंग ब्रश ही लगा, क्योंकि ये ज़्यादा आपकी जो ब्लेंडिंग है उसको फैलने भी नहीं देता, आपकी शेडिंग भी अच्छे से दिखेगी और एकदम डार्क डार्क भी नहीं दिखेगा। अगर आप गाइज लेयर बाय लेयर शेडिंग करके ब्लेंडिंग करते हो तो गाइज काफ़ी अच्छे से आप अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बना सकते हो। और पहले तो गाइज आपको बहुत ही लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, 2H 3H 4H पेंसिल का, और उसके बाद गाइज आप डार्क शेड्स में शेड करके अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। वैसे तो गाइज ब्लेंडिंग के जो मटेरियल्स है टूल्स है वो इतना मैटर नहीं करता, गाइज आपको ड्राइंग जो है वो आनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो ही होगा। बाकी तो गाइज शेडिंग आपको सीखनी होगी, शेडिंग मेन इम्पॉर्टेंट है सबसे, तो शेडिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे आप सीख सकते हैं ड्राइंग को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।